When we say that the response overburdens, whenever there's a spike, yes. there's a lot of pressure on government hospitals. जिस तरह अब गर्मियाँ आ रही हैं, अब डेंगी इसके ऊपर बहुत अभी अवेयरनेस कैंपेन्स वगैरह भी स्टार्ट हो रही हैं. सो इफ दिस अनदर पेंडेमिक, व्हाट विल बी द स्टेट ऑफ द हॉस्पिटल्स? देखिए, स्टेट ऑफ द हॉस्पिटल्स डेफिनेटली इम्पैक्ट लेती है. वो आप डेंगी ले लें, आप कोई भी कैलामिटी ले लें. मैं कहती हूँ, अल्लाह ना करे कोई जलजला आ जाता है, कोई सैलाब आ जाता है, कोई कहत पड़ जाता है, तो देखिए लोगों का सबसे पहला रिएक्शन होता है टू सीक हेल्थ केयर. तो आप डेंगी तो इज़ अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट. मैं कहती हूँ शायद वो सीजनल नंबर्स फ्लक्चुएट करेंगे, दे विल वॉक इन, बट कैन यू इमेजिन द बिगर नंबर्स? जैसे आपने बात की लोगों को डायबिटीज़, शुगर, किसी को बुखार है, नज़ला है, मे बी इट इज़ नॉट कोविड. सो अब नाउ द नंबर्स हैव इंक्रीज टू एन एक्सटेंट वेयर एवरीथिंग हैज़ बिकम मिक्सड अप. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सेग्रीगेट. उसके लिए आपको टेस्टिंग पे रिलाई करना पड़ता है. टेस्टिंग इज़ अ डिफिकल्ट ऑर्डील. गेटिंग दैट सैम्पल, पेइंग फॉर दैट टेस्ट, कैन पीपल अफोर्ड दैट टेस्ट, कैन गवर्नमेंट extend free testing for the rest of their lives? They cannot. देखिए ना, उन्होंने essential healthcare services भी चलानी है, उन्होंने सरकारी अस्पतालों को उस level of capacity भी चलाना है जिसकी need है, और उसके साथ साथ COVID को भी manage करना है. We also need to maybe ये भी देखना होगा कि this is not going, क्योंकि एक वो एक and honestly मेरे ध्यान में भी थी वो perception थी ना कि हाँ this is just 2020, the year will be over and the pandemic will over. नहीं, अब vaccine आ गई है, you know this will be over. Will this be over? How long would it take? Who is going to answer these questions? देखिए, we all are answerable for that question. मैं कहती हूँ आपकी हुकूमत इसके लिए इतनी answerable नहीं है जितनी हम individuals answerable हैं. मैं इसे शुरू करती हूँ from the treatment. देखिए, जब spike आएगी आपके hospital overburden होगे, essential healthcare impact होगी, उस essential healthcare का भी एक impact आपको hit करेगा post COVID. ऐसी बात है, जब लोगों की तबीयतें ख़राब होंगी, वो डॉक्टरों से रुजू नहीं करेंगे और वो फिर आपके पास एज अ कैजुअल्टी आएंगे ना, एज अ फैटेलिटी आएंगे. इसी तरह वैक्सीन है. देखिए, वैक्सीन लगाना इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस. आप यूरोप देख लें, जहाँ उन्होंने वैक्सीन लगाना शुरू की है, वैक्सीन क्या उतनी प्रोड्यूस हो रही है कि आपके करोड़ों की आबादी को लग जाएगी? और क्या एक टीका लगना है, दो टीके लगने हैं, 21 दिन के बाद लगने हैं, 3 महीने के बाद लगने हैं? उसका रिएक्शन तो नहीं हो रहा, उसे स्टडी करना, लोगों को कन्विंस करना. देयर हैज़ बीन अ रीसेंट स्टडी, इट एक्चुअली स्टेट्स फॉर कंट्रीज लाइक पाकिस्तान फॉर इंटायर पॉपुलेशन टू बी वैक्सीनेटेड, कीपिंग इन माइंड आर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन रेट, इट इज़ लाइकली टू टेक द नेक्स्ट 10 ईयर्स. सो मैं ये नहीं कहती कि दिस इज़ अ डिफिकल्ट प्रोसेस, दिस इज़ द राइट लाइन. हम यहाँ जो कंट्रोल कर सकते हैं वो वेव्स हैं. अब आप यूरोप को भी देख लें, इतनी स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद दे आर एंटरिंग इनटू अ फोर्थ वेव. देर आर अदर कंट्रीज विच आर एंटरिंग इनटू अनदर वेव. आर वी प्रिपेयर्ड फॉर इट? आर वी लाइकली टू टेक द हिट? हम कहते हैं कि जी हमने चीज़ें बंद नहीं करनी, आप मत बंद करें, आप एहतियात कर लें. वैक्सीन करानी है, जब आपका नंबर आएगा आपको वैक्सीन लग जाएगी. उतनी देर तक आप क्या कर सकते हैं? देखें, अगर आप कहते हैं कि प्राइवेट हेल्थ केयर मुश्किल है, पब्लिक में मैं नहीं जा सकता या मैंने जाना नहीं है, वैक्सीन लगाने में टाइम है, तो सीरियसली द ओनली थिंग दैट इज़ लेफ्ट इज़ प्रिकॉशन एंड कॉशन. और ये कि दूसरों को भी इन्फॉर्म करें. ज़रूरी नहीं है कि आपके घर के अंदर बम फट जाए तभी आप रियलाइज़ करें. और आपने खुद अभी जिक्र कर दिया, लिटरली लूजिंग पेशेंट्स एज यंग एज 18-20. पहले देर वॉज अ कंसिडरेशन के ओनली पीपल अबव 60 आर एट रिस्क. येस, दे आर मोर एट रिस्क, लेकिन टू बी ऑनेस्ट सेकेंड वेव एंड थर्ड वेव, ये थर्ड वेव में इट हैज़ प्रूवन अस रॉन्ग. इट हैज़ हिट यंग पीपल एज मच एज द ओल्डर पीपल. आई थिंक देर हैव बीन सम रिपोर्ट्स जो प्रॉब्ली कह रहे कि transmission in children, this also seem to be a spike amongst children. Unfortunately, yes. Pregnant khawateen mein dekhi gayi hai, bachon mein dekhi gayi hai. Second wave mein to hamara ek impression ye tha, shayad probably learning nahi kahungi, ek impression ye tha ki bachche asymptomatic hote hain. Is dafa hamare paas we have kids as young as 8 months who are covid positive. Aap ye soche na, अब उस बच्चे, छोटे बच्चे का आप साइज़ देखें, उसकी उम्र देखें, उसकी नीड देखें, और आप देखें, आप उसका एक्सपोजर देखें, और फिर लोग कहते हैं कि कोविड नहीं है. अगेन आई सर्कल बैक, क्योंकि हम कहते हैं कि देर आर नो एब्सोल्यूट आंसर्स टू कोविड. सो विद वैक्सीन, सो इनिशियली दे था कि भाई वैक्सीन, व्हाट यू नो, वैक्सीन आ गई, यू डू योर कवर, यू आर सेफ. बट नाउ देर आर रिपोर्ट्स दैट से यू नो You still might contract COVID, Bilkul. But maybe the vaccine will help you in the sense that your health would not deteriorate. बात यह है कि अभी आपकी मास वैक्सीनेशन शुरू हो गई है. मैं हमेशा पेशेंट्स को भी और लोगों को भी ये कहती हूँ कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ना, आपके पास थियोरेटिकल इन्फॉर्मेशन है और आपके पास स्मॉल स्केल ट्रायल्स हैं. जो कोई भी ब्रांड ले लें, आई एम नॉट टेमिंग एनी नेम्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, कोई भी ब्रांड ले लें, ट्रायल्स हैं. जब आप उसको मास के लेवल पर लेके जाएंगे तो अच्छा भी होगा, मे बी कोई माइनस साइड इफेक्ट्स भी हों.
यू आर येट टू लर्न. हाउ दैट थियोरेटिकल इन्फॉर्मेशन ट्रांसलेट्स इनटू प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन विल टेक मंथ्स. बिल्कुल ज़रूरी है. मैं एज अ प्रैक्टिशनर, एज अ डॉक्टर, एज एन इंडिविजुअल ऑफ दिस सोसाइटी आपको ये कहूँगी कि भाई आप वैक्सीन कराएं, लेकिन एहतियाती तदाबीर अपनी जगह है. यू आर येट टू लर्न कि जब आपको वैक्सीन लग जाती है क्या आपको वो कुछ महीनों की इम्यूनिटी देता है, कुछ सालों की देता है, लाइफ लॉन्ग देता है. दिस इज़ समथिंग दैट वी स्टिल नीड टू स्टडी. तो ये क्लेम कर देना कि जी मुझे जैब्स लग गए हैं, मैं सेफ गार्डेड हूँ, आई डोंट नीड टू वेयर अ मास्क, सेंड्स आउट द रॉन्ग मैसेज. ये भी एक बहुत बड़ी वजह है दैट इज़ क्रिएटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स. वही वाली बात है, इस पर गुफ्तगू होना, कंसल्टेशंस होना, लोगों को इन्फॉर्म करने की, इंगेज करने की ज़रूरत है.